नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रतिष्ठित डिजिटल इंडिया पुरस्कार वितरित करेंगी। सरकार ने देश में डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। पीएम मोदी के साथ मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आज समाप्त होगा। इस सम्मेलन में अब तक 200 से अधिक ब्यूरोक्रेट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव और सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और डोमेन एक्सपर्ट शामिल हुए। इस बैठक में MSME बुनियादी ढांचे अनुपालन को कम करने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण कौशल विकास सहित 6 विषयों पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के कोरबा के प्रवास पर रहेंगे, जहां वे टीपी नगर स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ का दूसरा दौरा कर रहे हैं। बिहार में आज से जातीय जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में यह सर्वे 2 चरणों में होगा। पहले चरण में घरों की गिनती होगी, जबकि दूसरे चरण में जाति के आधार पर जनगणना होगी। बता दें कि जातीय जनगणना का उद्देश्य विभिन्न जातियों और आबादी के वर्गों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति और शिक्षा की स्थिति के बारे में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। आज हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें आम जनता को यह सलाह दी गई है कि किसी भी तरह के जोखिम से बचने के लिए अधिक ऊंचाई, कम तापमान वाले क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचें और अपने घरों में सुरक्षित स्थानों पर रहें। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी आज से राजस्थान के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वह भारत पाकिस्तान सीमा से सटे पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान उन्हें Z+ सुरक्षा और CRPF कवर दिया जाएगा। बता दें कि राहुल गांधी स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के चेयरपर्सन भी हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार आज कर सकती है कैबिनेट का विस्तार। माना जा रहा है कि सुक्खू सरकार के मंत्री के नाम तय हो चुके हैं और आज सभी मंत्री शपथ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 7,00,000 करोड़ से अधिक का वार्षिक बजट पेश कर सकती है, जहां यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद फरवरी में राज्य विधानसभा में बजट पेश किए जाने की संभावना है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना देश स्तर पर हो, लेकिन वे लोग सहमत नहीं हुए। अभी बिहार में जाति आधारित जनगणना कराते हैं, इसके बाद देश स्तर पर कराने की बात को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब की कैबिनेट बैठक में स्कूलों की साफ सफाई और सुरक्षा समेत 4 बड़े फैसले लिए गए। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि पहली बार राज्य में स्कूलों की साफ सफाई और सुरक्षा के लिए स्टाफ की भर्ती की जाएगी। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में चैंपियन बन गया है, जहाँ युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने परीक्षा समिति की बैठक में वर्ष 2023 का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया, जहां हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगी। आज गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के चायवासा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जोश भरेंगे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान व मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें विभिन्न मांगे शामिल हैं, जिनका निराकरण जल्द से जल्द कराए जाने की मांग की गई है। आज है जम्मू कश्मीर के 9वें मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद का शहादत दिवस। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP कई कार्यक्रम कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। कोलकाता हाईकोर्ट ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी की साली मेनका के खिलाफ कार्रवाई पर से रोक हटा ली है, जिसके बाद ED अब उनसे पूछताछ कर सकती है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे ने बनाई 6 सदस्यीय समिति, जहां सांसद राहुल सेलवाले को भी शामिल किया गया है।
गुजरात के मुख्य सचिव पंकज कुमार का एक्सटेंशन 31 जनवरी को पूरा हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि गुजरात का अगला चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा, जहां मुख्य सचिव के लिए गुजरात कैडर के 6 IAS अधिकारी के नाम चर्चा में हैं। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार आदिवासी के उत्थान तथा आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महुआ जिले के कुलपहाड़ तहसील स्थित ग्राम सुगीरा में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब की खुदाई का कार्य कराया जा रहा है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही पिचिंग पहले ही बारिश में ढह गई। तालाब में बनी सीढ़ियों पर मिट्टी डालकर उन्हें दबा रहा है। तालाब की 3 मीटर खुदाई की जानी थी, लेकिन ठेकेदार 1.5 मीटर खुदाई कर नपाई के लिए बीच में बनाए गए पिलरों के ऊपर मिट्टी डालकर खाना पूर्ति कर दिया है। महुआ जिला अस्पताल के CMS का तुगलकी फरमान हुआ जारी, जहां जिला अस्पताल में पोस्टर लगाकर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पर रोक लगा दी गई है। अस्पताल की अनियमितता और लापरवाही की खबर दिखाए जाने के बाद CMS ने पोस्टर चिपकाए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या आंख बंद कर लेने से दिन को रात साबित करने की कोशिश की जा रही है। अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर सोमेन वर्मा के निर्देशन में पुलिस कर्मियों की जीवन शैली एवं रहन सहन में सुधार एवं बेहतर वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस लाइन परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आदर्श बैरक का निर्माण किया गया। बिहार में जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बैरक पंचायत के तमकुल्हा गांव में बिरबल यादव उर्फ विनोद यादव के पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद करने एवं अविलंब अपराधियों पर चार्जशीट दाखिल करने के लिए बसनही थाना अध्यक्ष को फोन किया। इस मौके पर डॉक्टर चंद्रिका आरडी, सहरसा जिला अध्यक्ष राजेश रंजन आदि शामिल थे। तो ये थी सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।